ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है जुनैद, तुम्हारे पास नो का ऑप्शन नहीं है। सो एट एनी कॉस्ट तुम्हें हमारी इज्जत रखनी पड़ेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें डिसओन भी कर सकते हैं। डिसओन? क्या आप कह रहे हैं डैड? आप शायद बहुत कन्वीनियंटली ये बात भूल रहे हैं कि डिसओन तो आपने मुझे बहुत साल पहले कर दिया था। 5 साल। मेरी जिंदगी के वो 5 साल जिसमें आपने ना सिर्फ मुझे इस घर से, अपनी जिंदगी से, बल्कि इन सब लोगों से दूर कर दिया था जिनसे मैं प्यार करता था। हर इन 5 सालों में एक बार भी पलट के आपने मुझे एक फोन नहीं किया, मुझसे पूछा तक नहीं मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं। आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। जहां तक आपके डिसओन करने का सवाल है ना डैड, मुझे इस बात को लेकर ब्लैकमेल ना करें। आप आज फिर मुझे डिसओन करना चाहते हैं? इस जिंदगी से, इस प्रॉपर्टी से तो कर दीजिए। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट। नहीं जुनैद, रुक जाओ। प्लीज प्लीज। नहीं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप गजनफर? मेरा सबसे ज्यादा प्यारा, लविंग और केयरिंग बच्चा है, बहुत फर्मा बरदार लड़का है। हाउ कुड यू डू दिस? मैं तो अपने बच्चे को डिसओन करने का सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम वाकई नहीं सोच सकती, लेकिन मैं ऐसा सोच भी सकता हूं और मैं ऐसा कर भी सकता हूं। अगर इसने हमारी बात ना मानी तो तुम मेरी बात सुन। कम कम विद मी, लेट्स सिट डाउन टॉक। रजिया, पानी लेकर आओ। जी माँ, आपने बुलाया? हाँ, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पास बैठो। जावियार की शादी के फंक्शन में गजनफर और निगार ने इशारे दिए हैं, वो जुनैद के लिए तुम में इंटरेस्टेड हैं। जुनैद और मैं, आर दे आउट ऑफ देयर माइंड? हाँ, मैंने भी साफ इनकार कर दिया, लेकिन गजनफर ने कहा कि मैं इस बारे में सीरियसली सोचूं। जावियार के रिजेक्शन के बाद उनकी हिम्मत कैसे हुई है प्रपोजल भेजने की? वो सोच भी कैसे सकते हैं कि उस इंसान ने जिसने मुझे ठुकराया, मैं उसके भाई से शादी कर लूं? तानिया, निकार और उसके हस्बैंड का इसमें क्या कसूर है? वो तो हमेशा से तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जावियार ना सही, जुनैद सही। ओ मॉम, यू आर सो इनोसेंट। लगता है कि निगी आंटी ने आपको कन्विंस कर लिया है और अब आपको यहां भेजा है
कि आप मुझे राजी कर लें, है ना तानिया? जुनैद में बुराई क्या है? गॉड, शरीफ है, डिसेंट है, हैंडसम है, और वो अभी अब्रॉड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर आया है। तो मैं क्या करूं? एक शख्स के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। माँ, तो आपको लगता है कि मेरा दिल एक फोटो फ्रेम है जिसमें से मैं एक इंसान की तस्वीर निकालू और दूसरे की लगा दू? How can you expect this from me, ma? उस इंसान ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मेरी खुशियों को आग लगा दी है। मेरा दिल करता है कि मैं उसे जान से मार दूं। It's okay, it's okay, बेटा, calm down, बेटा, it's okay। बस, तुम उस घर में शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड ने यूएसए में सेटल लड़कों की तस्वीरें भेजी हैं। एक से बढ़कर एक प्रपोजल। बस उन्हें कहें कि ये प्रपोजल्स अपने पास रखें। अब होश आए उन्हें? तब कहां थे जब मुझे उनकी जरूरत थी? तब तो आपको तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली, और अब जब मेरी शादी का वक्त आया तो अपने बाप होने का हक जताने आ गए। माँ, उनसे कह दें कि मुझे अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद आपने किसी भी प्रपोजल की बात की मुझसे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तानिया, अभी इतनी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर। मेरी बेटी नमाज की इतनी पाबंद है। आपको पता है, मेरी दादी जान ने मुझे बचपन से आदत डाल दी थी, और अब तो मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होती। बहुत अच्छी तरबियत की है दिलशाद ने तुम्हारी। और भाई, अब तो मैं इत्मीनान और सुकून के साथ मर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा भी इस घर में कोई इबादत करने वाला है। लेकिन आप क्यों इस तरह की मरने वाली बातें करती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, जाना तो सबने है एक रोज, और हम तो वैसे भी खैर अपना वक्त पूरा कर चुके। अब तो तुमने इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है, बड़ी बहू हो इस घर की। लेकिन बेटा, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें इन माँ बेटी के रंग में रंगने की जरूरत नहीं है बेटा। और साव्यार भी अगर कुछ कहे ना, साफ साफ कह दो उससे, मैं जैसी हूं वैसी ठीक। आप किसी भी बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करें बेटा। निगार सख्त है तबीयत की, बेटी भी कुछ कम नहीं है उससे। मैं ये तो नहीं कहूंगी तुम्हें कि तुम चुपचाप हर बात को बर्दाश्त कर लो, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि सब्र से और अकल से काम लेना, प्यार से और मोहब्बत से सबका दिल जीतने की कोशिश करना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। और हाँ, साव्यार तो तुम्हारा ख्याल रखता है ना? जी बहुत। जीती रहो, खुश रहो। आपका फेवरेट मिल्कशेक बना के लाऊं मैं? For heaven's sake, नहीं भाई। तुम देख नहीं रही हो कि
इतनी मोटी हो गई हूँ मैं? अरे बिल्कुल भी मोटी नहीं लग रही। जुनैद रुको, तुम्हारा मसला क्या है? What is your problem? शराफत से मान क्यों नहीं जाते कि तुम तानिया से शादी करोगे? देखिए डैड, एक मिनट, इससे पहले कि तुम कोई और कर दो, एक चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूं। जुनैद, अगर तुम्हारी शादी होगी तो तानिया से होगी, एट एनी कॉस्ट होगी। अदरवाइज मेरे होते हुए तुम्हारी शादी नहीं होगी। एक सवाल का जवाब तो दीजिएगा। इतना गुस्सा, इतनी धमकियां, इतने अल्टीमेटम्स, मुझसे बात करते हुए इतने कड़वे क्यों हो जाते हैं? मेरी जिंदगी का एक कामयाब असूल है, जिसको जिस जुबान में समझ आता है मैं उसको उसी जुबान में समझाता हूं। तो मैं कभी प्यार की जुबान समझ में आई है? आपने कभी प्यार से बात की है मुझसे? एक बार भी अपना बेटा समझ के अपने साथ बिठाकर प्यार से कुछ समझाया? कभी भी नहीं। अच्छा, नहीं समझाया? चलो आज अपने बेटे को प्यार से समझाते हैं। तो मिस्टर जुनैद खान सफर, आपका ये बाप आपको प्यार से समझा रहा है और आपसे कह रहा है कि अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए प्लीज तानिया से शादी कर ले। बहुत फेक था डैड, बहुत ही फेक। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आज से पहले मैंने आपकी कोई बात मानी ही नहीं। मेमोरी बहुत कम है आपकी मेरे मामले में, भूल गए आप ही की वजह से, आप ही के कहने पर ये घर, अपना घर छोड़कर बाहर चला गया था मैं। शायद आप ये भी भूल रहे हैं कि मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम रिश्ता था, बहुत अहम ताल्लुक था, लेकिन मिडिल क्लास लड़की समझकर आपने उसे भी छोड़ने के लिए कह दिया, और छोड़ दिया मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए। अब भी ऐसा करूंगा। आप तानिया से शादी करने का कह रहे हैं जो कि खुदकुशी के मतबादल है, आपको खुश करने के लिए करूंगा डैड। मुझ पे एहसान मत कर। आज तक तुम्हें जो कुछ भी समझाया है तुम्हारी बेहतरी के लिए समझाया, तुम्हें मुल्क से बाहर भेजा डिग्री के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए। लड़कपन में एक मिडिल क्लास लड़की से जिद कर ली थी शादी, तुम्हें रोका जस्ट बिकॉज तुम्हारी बेहतरी के लिए। और आज अगर तुम्हें कह रहे हैं कि तानिया से शादी कर लो तो डैमेट इसमें भी तुम्हारी बेहतरी है। चले मान लेता हूं कि सब में मेरी बेहतरी थी और अब जो आप करने के लिए कह रहे हैं उसमें भी मेरी बेहतरी है, लेकिन क्या आप खुश हो जाएंगे? Yes, of course. मुझसे खुश हो जाएंगे? जाहिर है मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। ठीक है, एक बार मुझे अपने गले से लगाइए, यही बात प्यार से कह दें, आप कहेंगे ना डैड मैं जान भी दे दूंगा आपके लिए। लगाऊंगा, अपने बेटे को प्यार से गले लगाऊंगा, जोर से चुप्पी डालूंगा, लेकिन आज नहीं, उस दिन जिस दिन मेरा बेटा मेरी बात मानते हुए तानिया से निकाह करेगा उससे चुप भी डालूंगा। डील, डील है। तानिया, 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 गॉड, तानिया, ये क्या कर रही हो तुम अपने साथ? हम क्या क्यों बैठी हो?
और ये क्या हाल बना रखा है तानिया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं कहीं फिर से खुदकशी का इरादा तो नहीं? फिक्र ना करें आप, इतनी जल्दी नहीं मरती। और साफियार से बेवफाई का इंतकाम लिए बगैर तो किस नहीं मर। खबरदार खबरदार, जो आइंदा इंतकाम लेने की बात की, साफियार पर आकर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। मेरी दुनिया साफियार पे खत्म होती है। कहाँ जा रही हो तानिया? तानिया, तानिया किसको फोन कर रही हो? हेलो जी, निकी आंटी मैं बात कर रही हूँ। हाँ तानिया, कैसी हो बेटा? बहुत दिन हो गए, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। मामा बता रही थी कि आपने प्रपोजल भेजा है जुनेद का मेरे लिए। हाँ ना, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो। जावियात ना सही, जुनेद सही। लेकिन दानी बता रही थी कि तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज है। एतराज था, अब नहीं है। मैं जुनेद से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, शादी इसी मंथ होनी चाहिए। तानिया, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें कबूल हैं। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर। आई लव यू तानिया, टेक केयर, बाय। तानिया, ये तुम जो कुछ कर रही हो ये गलत है। तो इसमें क्या गलत है माँ, क्या गलत कह रही हूँ मैं? आप तो यही चाहती थी कि जुनेद से शादी हो जाए, तो बी हैप्पी। अगर इस तरह नहीं, तुम जुनेद से शादी इसलिए करना चाहती हो कि तुम जावियार के करीब रह सको, है ना? माँ जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दें, रोके मत। ये हकीकत अगर आपने किसी को बताई ना तो पछताएंगी बड़ा आप। या तो मैं जावियार को मार दूंगी या फिर अपनी जान ले लूंगी। और आप तो मुझे जानती हैं कि जो मैं कहती हूं वो करके दिखाती हूं। क्या हुआ? बी हैप्पी माँ, आपकी बेटी की रुखसती का वक्त आ गया। सब कुछ आज मैंने आपके लिए बनाया है। क्या हुआ साइको? सर ने खाना खाया, पता नहीं क्या था खाने में। अब सही दुआरे डॉक्टर को गुजर दे दिया। बस मुझे सिर्फ एक बार उनको देखने दे प्लीज। वो ठीक तो है ना? अभी आप यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि साइक का बचना। कवर बाहर निकालो इस लड़की को, इसका साया बिनो शेरवा पे नहीं पड़ना चाहिए। जानती हो तुम्हारे बाल कितने पसंद है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए चाय लेके आई हूं। इस वक्त चाय नहीं, तुम चाहिए। हाँ? सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद चाय के लिए थोड़ी घर आता हूं वापस, तुम्हारे लिए आता हूं। तुम इतनी मासूम और भोली क्यों? पता नहीं। I like it. How was your day? अच्छा था।
मामा मामा, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। कल तक तुम इस रिश्ते के खिलाफ थी और आज अचानक से जुनेद से शादी करने का भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पर। ओह माय गॉड, फॉर गॉड सेक्स बस कर दे लेक्चर्स देना। आपके लेक्चर्स से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तानिया, तुम इतनी खुदसर और बदतमीज हो जाओगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। जाहिर सी बात है भाई, आपकी बेटी हूँ तो आते भी आप पे ही जाएंगी ना। तानिया, बिहेव योरसेल्फ। तुम भूल गई हो कि अपनी माँ से बात कर रही हो? तो आप मुझे फोर्स कर रही हैं इस तरह से बात करने के लिए? मेरी खुशी चाहिए ना आपको, तो मैं रेडी हूँ जुनेद से शादी करने के लिए। व्हाट्स अ बिग डील इन इट? तुम ये अपनी खुशी और अपनी मर्जी के लिए कर रही होती ना तो ठीक था, लेकिन ये सब तुम जावियर से बदला लेने की खातिर कर रही हो और मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपको तो मेरी बहुत फिक्र है, राइट? तो फिर अभी निकी आंटी को कॉल करें और उनसे कहें कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फाइन, आई कॉल हर myself। मैंने जब एक बार कह दिया कि जुनेद की शादी तानिया से होगी तो बस ऐसा ही होगा। मुझे बार बार अपने फैसले दोहराने की आदत नहीं है और वैसे भी अब किसी को एतराज किस बात पे है? जुनेद अपनी खुशी से शादी कर रहा तानिया से। जानती हूं तुमने कितना दबाव डाला होगा उसके ऊपर, मगर बड़ी ज्यादती कर रहे हो तुम जबरदस्ती की शादी करवा के। पेरेंट्स औलाद पर शादी के मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकते और हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया। जुनेद दिल से राजी है, अब बेशक पूछ ले उससे। अभी तुम लोगों को इस रिश्ते का बेतुका पर नजर नहीं आ रहा, अगर जुनेद को तो समझाया जा सकता है ना। विजय, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, आपके आगे कभी मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन सॉरी टू से मैं आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप अब इस मामले में और कुछ ना बोले। मैं डिसीजन ले चुका, जुनेद की शादी तानिया से नहीं होगी। फाइन, ओके। हाँ तो जुनेद ने बता दिया ना आपको थीम? एग्जैक्टली। तो यू हैव टू सेंड मी द रेफरेंस पिक्चर्स, वो अप्रूव होंगी एंड देन यू विल मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली। हाँ कल आ जाओ, ठीक है, लेकिन जल्दी, थिंग्स हैव टू बी फिक्स्ड डन ऑन टाइम। ओके ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें इतनी जल्दी है क्या शादी की? अरे अभी चंद दिन पहले तो जावियर की शादी से फारिग हुए हैं और अब इतनी जल्दी जुनेद? कैसी बातें करी हैं बीजी, हमने कुछ थोड़ी करना है, सब कुछ तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया मैंने, दे आर गोइंग टू फिक्स इट। और ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है इसमें आखिर? क्योंकि दादू, जितनी अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी हमारा फंक्शन उतना ही अच्छा लगेगा, यूनिक, डिफरेंट।
हद हो गई है मॉम। एक तो तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जावियार तुम्हारा सौतेला बेटा था। उसके लिए तो कुछ नहीं किया था तुमने। जावियार ने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो मर्जी से शादी करना कोई जुर्म है क्या? अपनी मर्जी से शादी करना जुर्म नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से किसी गए गुजरे बैकग्राउंड की लड़की से शादी करना नाकाबिले तलाफी जुर्म है। नायाब को एक्सेप्ट न करके तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो। आया समझ में? बहू है इस घर की, उसकी इज्जत में ही हमारी इज्जत है। ज्यादती तो आपने की है हमारे साथ दादू। आई एम श्योर आपने मामा से किसी बात की दुश्मनी निकाली है। What? क्योंकि मॉम ने आज तक आपकी बात कोई मानी तो है नहीं और आपने इसी चीज का बदला लिया है, राइट? चवेरिया, हद में रहो। अपनी मां के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो। Come on, दादू, would you please just stop saying this all? Shut up! बेची, इसको क्यों डांट रही है? जेवी का कसूर क्या है? तो नायाब का क्या कसूर है ये बताओ। देखिए बीजी, आपकी दुश्मनी मुझसे है। जब दुश्मनी मोल ली है तो कहने सुनने बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रख लें आप। निगार, बहुत हिम्मत है मुझ में। और याद रखना, तुमने या किसी और ने भी नायाब के साथ अगर ज्यादती करने की कोशिश की ना तो हाउ डेयर शी। बदतहजीब कवार, सच सुनने की तो हिम्मत ही नहीं है किसी के बीच में। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हें जुनैद और तानिया के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई मीन, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी ने उन पर दबाव तो नहीं डाला। मुझे तो पहले ये भी लगता था कि तानिया आपको हाँ, शायद उसकी तरफ से ऐसा कुछ था, मेरी तरफ से ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। आप सच कह रहे हैं जावियार? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा तुमसे? थैंक यू। हेलो। हेलो। नाइस प्लेस। थैंक यू। यू लुकिंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। फ्लावर्स फॉर यू। फॉर मी? या। Thank you so much. They're very pretty. Let me help you. Please. कुछ order किया या order कर लें? I'm having tea. Please तुम कुछ order करो। हाँ, करते हैं। जुनैद, माँ मुझे बता रही थी कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, सो व्हाट वाज इट ऑल अबाउट?
तानिया, बस एक दो सवाल थे जो करना चाहता था मैं तुमसे। देखो, पोटेंशियली हम दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन हो। तो बस यही पूछने के लिए बुलवाया तो। ओके, तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे? I'm really sorry, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। मैं यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं आया हूँ। I'm sorry जुनैद, बट जिस तरह से तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो, ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तानिया, क्या तुम इस शादी से खुश हो? Of course I'm very happy. I mean, I'm not a child, जुनैद. अपनी जिंदगी के फैसले मैं ही करती हूँ, और तुमसे शादी करने का फैसला भी मेरा ही है। I'm happy. मतलब देखो, मैं जानता हूँ तुम शुरू से ज़ावियार भाई को बहुत पसंद करती थी। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, ना तो मुझे उसकी नॉलेज है, और ऑनेस्टली मैं उसके बारे में ज़्यादा जानना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन व्हाट्स इम्पोर्टेंट हियर इज कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से मैं, तुम, ज़ावियार भाई एक ही घर में रहते हुए अनकम्फर्टेबल फील करें। देखो जुनैद, ज़ावियार और मैं अच्छे दोस्त थे, हमारी काफ़ी दोस्ती थी आपस में, बट दोस्ती का मतलब ये तो नहीं कि आप उस इंसान से शादी कर लो। इनफैक्ट माँ तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, और उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी तुम्हारे से हो। तो तुम ये समझो कि एक तरह से हमारी अरेंज मैरिज हो रही है। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम तानिया अहमद अली खान, तुम अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में यकीन भी कैसे रख सकती हो? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर करना तो पड़ेगा। जुनैद, जो तुमने ज़ावियार और मुझे लेके अपना कंसर्न बताया था, जो भी तुम्हारी रिजर्वेशन थी, आई होप कि मुझसे बात करके वो क्लियर हो गई हो, बिकॉज यू नो व्हाट, मुझे शक्की हस्बैंड्स जहर लगते हैं। मैं शक नहीं कर, सिर्फ जो बातें मेरे दिमाग में थीं उनको क्लियर कर रहा था। बट आई एम श्योर तुम अपने इस डिसीजन से खुश हो। ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। व्हाट अबाउट यू, तुम खुश हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, लेट्स ऑर्डर समथिंग। एक्सक्यूज मी। जी, अस्सलाम वालेकुम। तानिया और जुनैद की शादी का कार्ड। बहुत मुबारक हो। बीजी के प्रेशराइज करने पर मैं कार्ड तो दे रही हूं, लेकिन खबरदार जो तुम्हारी फैमिली में से कोई भी आया, उसकी एक्चुअली कुछ रीजंस हैं। एक तो तुम्हारे भाई, भाभी और उनके बच्चे, दे वेरी लाउड और राउडी, वो मुझे चिढ़ होती है उनको देख के। एंड सेकेंडली, तुम्हारी फैमिली को, उन लोगों को मैं अपनी क्लास के गेस्ट और रिलेटिव्स के सामने एज रिलेटिव्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती, नॉट पॉसिबल। एंड अबव ऑल, जो तुम्हारी भाभी है, शी सो टॉक्सिक। देखा है कैसे बात करती है वो, गवारों की तरह, so loud, so annoying. I can't stand her for a single minute. मुझे तो उसका यहां आना बर्दाश्त नहीं है। कहां ये कि वो हमारे इवेंट पर आए, not a possibility. बेहतर होगा कि तुम भी उनसे मिलना जुलना खत्म कर दो।
लेकिन आंटी आप ये कह रही हैं कि मैं उन्हें ये शादी का कार्ड भी दूं और फिर आने से मना भी कर दूं, ये कैसे हो सकता है? मेरे घर वालों का दिल टूट जाएगा, उनकी दिल आजारी होगी। आई डोंट केयर, आई डोंट रियली केयर। तुम कैसे कहोगी, क्या कहोगी, दैट्स योर हेडेक। एनीवे, तुम फ्रेश अप होके आओ और आके गेस्ट को अटेंड करो। एंड यस, मेहमानों से मिलने के बाद जब फारिग हो जाओ, आई टेक यू टू अ सैलून फॉर सम ग्रूमिंग सर्विसेज। माय गॉड, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, स्टफ लाइक दैट, फॉरगेट इट। मैं बता दूंगी, बस तैयार होके नीचे आओ।